हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन। और मैं हूँ राजश्री। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ VLCC D10 सनस्क्रीन। ये रही VLCC की D10 सनस्क्रीन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी और ट्राई करके दिखाऊँगी कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, उसके जो प्राइस वगैरह आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आपको ये सूट करेगी नहीं सूट करेगी, ऑल स्किन टाइप है कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर लें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ कि ये रही VLCC की D10 सनस्क्रीन। तो ये आपको मिलता है SPF 50। एक्चुअली मैंने मेरी एक पहले वीडियो भी थी जिसमें मैंने VLCC की सनस्क्रीन के बारे में बताया है, लेकिन वो है SPF 60 और ये है SPF 50, ठीक है। अगर आपने मेरी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है SPF 60 वाली, तो मैं आपको यहाँ पे कार्ड लगा दूँगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं SPF 60 वाली। जो 60 और 50 में काफ़ी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SPF का डिफरेंस आपको मिलेगा, आपको इसके टेक्स्चर वगैरह सब कुछ आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये है VLCC D10 सनस्क्रीन जेल क्रीम। इसका SPF 50 है और काफ़ी अच्छा SPF आपको मिलता है, ठीक है। और ये फेड्स, टैन, इवंस आउट स्किन टोन, नॉन ग्रीजी एंड ईजी एब्जॉर्बिंग और पैराबिन फ्री। सबसे इसकी जो बहुत बड़ी बात है VLCC की सनस्क्रीन की, ये क्या है, पैराबिन फ्री है। इसमें कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है और इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन में इसको यूज़ करने से। तो ये काफ़ी अच्छी VLCC की सनस्क्रीन में से आती है, बहुत ही सालों से चलती आ रही है, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे इसके। बट ये हम आज की वीडियो में ये देख लेंगे कि ये किस स्किन टोन के साथ, किस स्किन टाइप के साथ ये सूट करती है। तो इसमें जो ये हेल्प करेगी, जो D10 सनस्क्रीन है, ये हेल्प करेगी कि आपके जो फेस पे जो टैन हुआ है वो उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। और अगर आप बाहर जाते हैं तो अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे कोई भी जो एक पोल्यूशन वगैरह भी आता है वो भी नहीं आएगा, कोई उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो एक सन की जो रेज, यूवी जो रेज होती हैं, वो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हमें सनस्क्रीन भी लगानी चाहिए, और सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है समर्स में भी एज वेल एज विंटर्स में। विंटर में भी आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करेगी स्किन पे कैसे आपको रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो प्राइस है वो 415 का आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा वो ऑल स्किन टाइप है। लेकिन यहाँ पे हर एक आपको जो सनस्क्रीन मिलेगी, किसी पे लिखा होता है कि ऑयली स्किन के लिए, किसी के लिए नॉर्मल स्किन के लिए। अगर ये बोल रहे कि ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन ये ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये किस स्किन टोन के साथ या किस स्किन के साथ आपको ये सूट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। और ये इस तरीके की आपको, मतलब कि बॉटल में या फिर इस तरीके आपको पैकिंग इसकी मिलती है। तो आपको बिल्कुल थोड़ी सी आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। और बिल्कुल थोड़ी सी लगा के भी आपको पूरे फेस को ये कवर कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप इस तरीके की आप ले सकते हो, थोड़ी सी आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको लेके बिल्कुल इसको लगा लेना है कि जो भी आपकी स्किन बाहर रहती है उस पूरे एरिया में, जो भी एरिया आपका जो कवर नहीं होता, आप उस पूरे एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपको इसका जो टेक्सचर है वो मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको ये सनस्क्रीन मिलेगी, ठीक है। तो अगर इसकी टेक्सचर की बात करें, और ये बिल्कुल भी ग्रीजी, जो बोलते ग्रीसी जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है कि ये बिल्कुल भी जो एक चिपचिप, जो आपको एक चिपचाहट जो भी बोलते हैं उसको, वो आपको अगर आप देती हैं तो ये बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसने बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया आपको। तो उसके बाद इन्होंने जो भी लिखा हुआ है कि ये D10 करता है, तो वो आपको लगाने की बात पता चलेगा। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से VLCC की सनस्क्रीन
यूज करती हूँ, आपको पता ही होगा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बोला हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ इसके, मुझे जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे मुझे मिले हैं इसके, काफ़ी ये मतलब प्रोटेक्ट करता है आपको यूवी रेज से, तो जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी आपको अच्छा मिलता है और एब्जॉर्ब कर जाएगा थोड़ी देर के बाद, कोई 15-20 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल आपके फेस पे एब्जॉर्ब कर जाएगा, कोई वाइट कलर का आपको नहीं लगेगा कि आपने ऐसे कुछ लगाया हुआ है, और उसके बाद ये आपके फेस को थोड़ा ग्लो भी करेगा और उसके बाद ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा। जो भी आपको ये दिख रहा है ये आपको सिर्फ थोड़ा ग्लो फेस दिख रहा है, ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और ये ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जो ऑयली स्किन के लिए जो जिनकी भी स्किन टोन है, ऑयली स्किन है जिसकी है, वो इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, और जिसकी जो थोड़ी सी जो एक ड्राई स्किन जो आती है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने लिखा है कि ऑल स्किन टाइप है तो ये ज़्यादा जो जिस स्किन के साथ ये सूट करती है वो ऑयली स्किन के साथ ज़्यादा सूट करेगी ये, क्योंकि जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट टेक्सचर है, जो ड्राई स्किन वाले होंगे तो उनको इतना ज़्यादा नहीं सूट करेगा है, लेकिन लगाने में कोई इशू नहीं है इसमें क्योंकि ये सूट करते लेकिन ज़्यादा ही ऑयली स्किन वालों को सूट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप समर्स की बात करें तो किसी का भी जो फेस होता है वो ड्राई नहीं होता, तो इसीलिए ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर ऑल स्किन टाइप उन्होंने लिखा है तो अगर जो समर्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पे किसी का भी जो फेस पे होता है वो ड्राई नहीं होता, तो इसीलिए ऑल स्किन टाइप इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा फेस इसी सनस्क्रीन का रिव्यू, और ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, और अगर इन्होंने इसका जो प्राइस 415 लिया है और ये आपका 5-6 मंथ तक ये चल जाती है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी आपको लेनी है और पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे या फिर कोई भी नेक पार्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी इसका टेक्सचर भी है और ये काफ़ी स्मूथ वगैरह है। ये है SPF 50, अगर 60 की बात करें तो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही VSCC की SPF 50 सनस्क्रीन रिव्यू, तो आप देख सकते हैं कि इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद मेरा फेस काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्लो भी करता है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ भी कर रही हूँ, तो ये डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये रही VSCC सनस्क्रीन का जो रिव्यू आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।